आपका चस्का विद आनलाइन टीवी में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ संदीप खेर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर। वो एक ऐसा मुद्दा है जिसका हर कोई देशवासी जो भी इस भारत में रहता है वो उस मुद्दे का इंतजार करता है। हम बात कर रहे हैं पीओके की, कि आखिर आम जनता का क्या सोचना है पीओके जैसे मुद्दे को लेकर। क्या 370 के बाद अब पीओके पे भी भारत का अधिकार होना चाहिए? हमारे साथ आम जनता मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कहना है। तो चाय का चस्का में आज हम चर्चा करेंगे। सर, क्या कहना है, पीओके भी अब भारत के पास होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अब अपना हो गया, और जैसे पीओके भी भारत का अभिन्न अंग है, पीओके हमारा है, हमारा होना चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान ने उसको ले लिया तो क्या जीवन भर छोड़ देंगे? अब गलती नहीं दोहराएंगे, हमारा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका कहना ये है कि पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा। हमारे साथ यहाँ पे एक सर और भी मौजूद हैं। भाई, क्या कहना है आपका पीओके को लेके? क्या पीओके भी अब भारत के पास होना चाहिए? जिस तरह से धारा 370 हटाई गई है, ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, अब एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला होना चाहिए पीओके को लेके। देखिए, बीजेपी अपना काम अच्छा कर रही है और भारत में ही कश्मीर आना चाहिए और पीओके हमारा ही होगा। इनका कहना ये है कि बिल्कुल पीओके हमारे भारत के पास जरूर आना चाहिए। हमारे साथ एक सर और मौजूद हैं। क्या कहना है सर पीओके को लेकर आपका? पहले तो हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए, धारा 370 हटाने के लिए। और जो बाद मुद्दा है पाक अधिकृत कश्मीर का, कि पाक अधिकृत कश्मीर तो पाक का है ही नहीं, पाक खुद ही हमारा हिस्सा है। जो अब माननीय राजनाथ सिंह जी भी बोले कि अब मुद्दा यही है पाकिस्तान से बात करने का कि पीओके पर ही बात होगा और बात किसी और चीज़ पर नहीं होनी चाहिए। अगर बात पीओके पे होगी और तभी हम कश्मीर से पाकिस्तान से इस मुद्दे पे बात करेंगे और पीओके को भी अब भारत का हिस्सा बनाएंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि कितना जोश और जुनून है इस युवा के अंदर, जिनका कहना ये है कि अब अगर बात होगी भारत की पाकिस्तान से तो सिर्फ पीओके के मुद्दे पर होगी, और वो भी क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीओके भी हमारा ही हिस्सा है। तो हम और लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार उनसे जानते हैं। सर से बात करेंगे। सर नमस्कार। सर, अरे सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पीओके के बारे में सर आपका क्या कहना है, क्या लगता है सर, वो भी भारत का एक हिस्सा है तो हमारे पास उसको वापस आना चाहिए? अरे भैया, अब हम तो पता नहीं, हम पढ़े लिखे आदमी नहीं। धारा 370 पे एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, अब उसके बाद एक फैसला और होना चाहिए पीओके को लेकर। हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर से हम बात करते हैं यहाँ पे। भाई साहब, सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, 370 एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था सर, तो अच्छी बात है, तो सर कहीं ना कहीं पे सर कि पीओके को लेकर सर क्या लगता है कि किस तरह का अपना है वो लेना चाहिए इनको? लेना चाहिए, ऐतिहासिक फैसला होगा सर, देशवासियों में भारतवासियों में खुशी की लहर दौड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल दौड़ेगी। ये तो देखिए, जब आजाद हुआ था तो तब भी अपने पास था जी। ये तो पाकिस्तान की बदमाशी की वजह से जो है उन्होंने हथा लिया जी, जी। अगर उस समय की सरकार ने कुछ किया होता तो कोई दिक्कत ना आती। पीओके का है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको पाक ने गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था, उसको लेके राजनाथ सिंह, अमित शाह सब लोगों का कहना ये है कि अब हमारा जो अगला एजेंडा होगा वो पीओके पर होगा। पाकिस्तान से बात करेंगे तो पीओके के मुद्दे पर बात होगी और जल्द से जल्द इसको भारत के मानचित्र में शामिल किया जाएगा। कितने बड़े गौरव की बात है। बहुत बड़े गौरव की बात है, बिल्कुल किया भी जाएगा। और मोदी जी, हम क्या बताएं, वो तो एक ऐसे लीडर हैं जो बिना दिखाए ऐसा काम कर देते हैं, मतलब बिल्कुल विद्वान लीडर हम तो मानते हैं उनको। जैसे उन्होंने अभी 370 हटाई बिना लड़ाई किए पाकिस्तान की, तो ऐसी ही तैसी भी कर दी, तो उसके लिए मैं बिल्कुल लगता है मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि 5 साल में जो असर दिखाया है, 5 साल अब उसे कवर करने में लगेगा, और इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसके लिए टाइम लगेगा। एकदम से जनता जो है कहती है कि मैं, मुझे करना है करना है, ऐसे नहीं होता है। इतनी बड़ी शुक्रिया, तो बड़ा टाइम। शुक्रिया। मोदी है तो मुमकिन है, हम सर के पास आएंगे, सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर वरिष्ठ भी हैं, सीनियर भी हैं। सर पीओके को लेकर क्या कहना है आपका, पीओके कितनी जल्दी भारत का हो जाना चाहिए? प्रयास किए जा रहे हैं, होना चाहिए जल्दी। सर, तो कैमरे में आप देख के बोलिए एकदम खुशी से। सर आप तो वरिष्ठ हैं, सर आप तो कब से इंतजार कर रहे हैं, सर अब हो जाना चाहिए, तो बोले सर। देखिए, समय होगा, समय पर होगा, जरा तरीके निकल रहे हैं। हाँ, राजनाथ सिंह का बयान आया है कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके के मुद्दे पर ही होगी। सर सही बयान आया है।
क्या लगता है वो जाना चाहिए? बहुत इंतजार हो गया, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। ये घड़ी घड़ी कुछ नहीं है, रणनीति बनती है प्रत्येक चीज को अंजाम देने के लिए। तो लगता है सर वो रणनीति अब तैयार है? अरे आपको क्या लग रहा है? हम सर आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ लग रहा है? बिल्कुल सर, हमें लग रहा है, तभी तो हम आपका मत जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, आपको लग रहा है तो आप हमें याद दिला रहे हैं, ये बहुत पहले कुछ होना चाहिए था, लेकिन समय का इंतजार है, होगा, धैर्य रखिए। तो यहाँ पे समस्त युवा, समस्त वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, जिनका कहना ये है कि जितनी जल्दी पीओके भारत के पास आ जाना चाहिए, उतनी जल्दी वो हमारे लिए गौरव की बात होगी। सबको इंतजार है और सबका कहना ये है कि जिस तरह पहले मोदी जी ने हर सोमवार को एक ऐतिहासिक निर्णय लिए थे, इस बार भी एक सोमवार को ऐसा ही ऐतिहासिक निर्णय आ जाए जो इस भारत की दशा के साथ साथ समस्त लोगों की सोच को ही बदल दे कि अब पीओके पर भारत का अधिकार है। तो चाय का चस्का में आज के लिए इतना ही, अगली बार एक और नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए R9 TV। संदीप खेर कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ, R9 TV लखनऊ।